बजे सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। जय गुरुजी। संकट जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सो दैट सब अपडेट्स आप तक पहुँचें। ये एक डेमो दिखाई जा रही है, क्योंकि संगत के बहुत फ़ोन आते हैं कि हमें समझ नहीं आती, इस डेमो से समझा जा सकता। चावला गए, बस नाल ही हैगी है, तो हुण अगे डुगरी जाके ही रुकांगे, बाकी जिदा गुरु जी का हुक्म होएगा उदा ही होना है। नेक्स्ट स्टॉप एज पर प्लान डुगरी। ते जय गुरु जी। तो मुझे दीदी का मैसेज आया हुआ था कि रिंकी चलना है डुगरी मंदिर, मेरे पास एक पास है, हम जा सकते हैं। और ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी ने खुद ही बोला हो कि चल, तू कैसे नहीं आएगी, मैं बुलाने आया हूँ तुझे, चल तुझे जाना ही जाना है। और उधर से मतलब ये अंकल का बस सर्विस और सब कुछ वो बहुत बीमार रहता था और मुझे जोड़ा इन्होंने, क्योंकि हम पार्क में बैठते थे तो आंटी ने, मैंने कहा पता नहीं ये ना कोई गुरु जी है, मेरा कजन भी मानता है मेरी, मतलब एक दो बंदे का बहुत बहुत थैंक्स। पहले उनकी कृपा से हम छतरपुर जाके आए, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं छतरपुर जा सकती हूँ। अब उनकी कृपा से मैं बड़ा छतरपुर जा रही हूँ। और थैंक यू, हाँ डुगरी, थैंक यू सो मच वाली अंकल कि आपकी कृपा से, गुरु जी के शुक्राने से हम जा रहे हैं। गुरु जी की कृपा से आपका काम बढ़े, सारी संगत की बहुत ब्लेसिंग। हमारा फर्स्ट टाइम है ऐसे, मतलब संगत में से कुछ काम से बस जाना संगत साथ, तो काफ़ी अच्छा बढ़िया सिस्टम रहा बस के थ्रू, और सारे क्या बोलते हैं भजन कीर्तन करते गए और बढ़िया था सिस्टम। बहुत अच्छी है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और पहली बार गुरु जी के द्वार पे जा रही है और अच्छा लग रहा है। बसां का जिहड़ा पहला हॉल्ट है उत्थे बसां को, ते बसां काफ़ी खड़ियां हैगियां इस बार। कमला इत्थों बसां चेक करनगे पास, अपनी बस भी आ गई है, उस तो पहले ही 8-10 बसां खड़ियां, बाकी जिद्दां हुण गुरु जी रहमत करनगे उदां ही बस अगे चले जाएगी, इतने पास चेक होंगे। जय गुरु जी। 20 मिनट हो गए, बस अगे खड़ी है, तो सारी बसा है। इधर ये किधर देखना है? अच्छा उतरण के बाद मोड़ के रखते हैं सीधे लगे।
तारा बनेगा। Thank you.
जय गुरु जी संगत जी। चावला गए बस नाल ही हैगी हूँ, अगे डुगरी जाके ही रुकेंगे, बाकी जिदा गुरु जी का हुक्म होएगा उदा ही होना है। तो नैक्सट स्टॉप एज पर प्लैन डुगरी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती कि जैसे मैं बस में बैठी और मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब गुरु जी ने खुद ही मुझे बुला लिया, क्योंकि एक रात पहले ही मैंने ना गुरु जी को रिक्वेस्ट करा था कि गुरु जी मैं आऊंगी आपके पास डुगरी पर, फिर मैंने एकदम से बोला गुरु जी मैं डुगरी कैसे आऊंगी, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, मैं छतरपुर मंदिर आऊंगी, मैं वहाँ पहले भी आई हुई हूँ बड़े मंदिर। और सुबह जैसे ही मैं उठी तो मुझे दीदी का मैसेज आया हुआ था कि रिक्की चलना है डुगरी मंदिर, मेरे पास ई पास है हम जा सकते हैं, और ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी ने खुद ही बोला कि चल तू कैसे नहीं आएगी, मैं बुलाने आया हूँ तुझे, चल तुझे जाना ही जाना है। और वैसे ये अंकल का बस सर्विस और सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, थैंक यू अंकल, गुरु जी आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें कि आप हम सबको लेकर जाते हो और गुरु जी के दर्शन कराते हो, थैंक यू, जय गुरु जी, जय। फर्स्ट टाइम बस लेके गए थे, जय गुरु जी। तो फर्स्ट टाइम वाली अंकल बस जब लेके गए थे, मंगलवार का दिन था मुझे याद है, तो हम बस में गए तो हम रात को 12 बजे वापसी आए थे, और उस वक्त हम मंगलवार को गुरुजी का बड़ा मंदिर बंद होता है, लेकिन वालिया अंकल ने करवाया हुआ था कि चंडीगढ़ से संगत आ रही है, 250-300 संगत है, तो मैं 6 बसेस गई थी, 7 बसेस गई थी, आप थे, अच्छा मेरे को था, मैं तब नई नई जुड़ी थी ना 2016 में, तो 17 में गए थे, और मैं फर्स्ट टाइम था मेरा बड़े मंदिर जाकर, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैं अपने बेटे को लेके गई थी और मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी अपने बेटे के थ्रू, के वो बहुत बीमार रहता था और मुझे जोड़ा इन्होंने, क्योंकि हम पार्क में बैठते थे तो आंटी ने, मैंने कहा पता नहीं ये ना कोई गुरुजी है, मेरा कजन भी मानता है मेरी, मतलब एक दो बंदे मानते कौन है ये, मुझे कहती है कि दीदी ये तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, मैं कहा ये कौन है, तो इसने मुझे थोड़ा बताया कि मैं मानती हूँ उनको, तो ऐसे ऐसे आप जाओ, आप भाव को लेके जाओ, मेरा बेटा है, तो मैं ऐसे परेशान तो बहुत थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था, 5-7 साल का था, बस इतना बीमार रहता था कि हम सारा दिन समझ लो पीजीआई बैठे रहते थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को घर जाके कहा, मैंने कहा सुनो ऐसे ऐसे है गुरुजी, रिंकी ने भी मुझे बोला है, तो कहते चल ठीक है, मैं तो मेरे मदर इन लॉ एक आधी बार गए थे, तो मेरे जेठानी भी जाते थे, तो फिर ये कहते मम्मी को बोल देना कि अगर गुरुजी का कोई सत्संग होगा कि तू और बेटा चले जाना। तो 2016-19 जुलाई गुरुपुरब का दिन था, और बस्सी आंटी बस्सी अंकल करवाते हैं अग्रवाल भवन सेक्टर 16 में, वो करवाते हैं सत्संग, तो मैंने बस्सी अंकल, हाँ, तो फिर मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला, तो उन्होंने मेरे भाभी को बोला होगा कि उसने भी जाना है तो बता देना, तो कुदरती एक आधे दिन बाद ही वो सत्संग था 19 तारीख को, तो उन्होंने मुझे बोला शाम को सत्संग है, और आप मानोगे नहीं लिटरली कि मेरा पहला सत्संग है, और गुरु मैं जो सुना रही हूँ, तो मैंने बेटे को उठाया, मैंने अंकल से, अंकल कहते चल, मेरे हस्बैंड कहते कि चल जा तू इसको ले जा, पर इसको ले जा, मैं कहा सुनो ये तो बैठ ही नहीं सकता ज्यादा देर तक, बस भाई बैठेगा कैसे वहां पे 2-2.5-3 घंटे, कहते तो तू ले जा, अगर नहीं बैठ पाएगा तो मुझे कॉल कर दो, मैं इसको वापस ले आऊंगा। आंटी आप मानोगे नहीं अंकल, मैं जैसे मैंने पहली सीढ़ियां अग्रवाल भवन की चढ़ी थी ना, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि गुरु जी इसको बचा लो, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि 1% चांसेस है, मैं रोई लाइन में कर रही हूँ, मत्था टेक रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ, गुरुजी मेरा बच्चा बचा लेना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो मेरे बहुत दर्द, मैं नहीं बैठा जा रहा, मुझसे नहीं बैठा, मैंने उसको अपनी गोद में लटा लिया, करते करते चलो सत्संग हुआ, इतने में आरती मंदिर जा पड़ था, आरती शुरू हुई, तो फिर मैंने इनका कॉल आया मेरे को, कैसा है वो, मैं उसकी तबीयत ठीक नहीं, आप उसको ना घर ले जाओ या गाड़ी में घर ले जाओ, मैंने इनको यही बोला। तो फिर मेरे जेठानी कहते हैं कि नहीं अब लंगर प्रसाद ना चका के फिर ही भेजू, तो मैंने कहा आप ऐसा करो इसको गाड़ी में लटा दो थोड़ी देर, जब लंगर प्रसाद शुरू होगा ना इसको लंगर, तो फिर अंकल ने, अमित अंकल और ये दोनों आपस में दोस्त थे, मुझे नहीं पता था, तो अमित अंकल कहते नहीं मैं इसको लंगर पहले दे देता हूँ, उसने लंगर खाया, उस दिन से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, और 12वें दिन गुरुजी ने मुझे ये कहा कि भाई इसको ना हिमाचल छोड़ दे, मतलब कि उनकी ही राह थी कि इसको हमने कसौली उधर ऐड कर दिया, कसौली में ना हॉस्टल कर दिया,
वहाँ पे तीन चार महीने ठीक रहा, मैं कहूँ जय गुरु जी, और जब भी इसको कसोली मिलने जाऊँ या छोड़ो तो मैं रस्ते में कहूँ कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दे दो, या तो किसी गाड़ी के ऊपर ओम बना हुआ होता था या जय गुरु जी की कोई गाड़ी, मैं बड़ा खुश होती थी कि गुरु जी ने ब्लेसिंग दे दी कि लड़का ठीक रहेगा। तीन चार महीने ठीक रहा, लेकिन उसकी तबीयत फिर खराब, फिर हम कभी ऊपर जाएं कभी उसको लेके आए। मैंने कहा फिर मैं सत्संग जाती थी तो सुनती थी गुरुजी निचोड़ते हैं, गुरुजी निचोड़ते हैं। मैंने कहा गुरुजी इसमें भी आप ही की कुछ वो है। गुरुजी ने दो साल निचोड़ा, उसकी पढ़ाई का लॉस हुआ, जो भी हुआ, पर गुरुजी ने दो साल हुआ। उसके बाद मेरे दादिया ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की कि जो डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चा, मतलब कि एक डॉक्टर ने साइन करने से मना कर दिया था कि मैं टेस्ट की इजाजत नहीं दूंगी, उसकी वजह से इसका टेस्ट नहीं हुआ। वो तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपने इतनी मेहर की है मेरे पर, इतनी मेहर किया जाते हैं सब पे, इतनी मेहर बनाना। आज मेरा बच्चा 16 साल का हो गया और गुरुजी की मेहरबानी है। कोरोना में हम इतना डरे हुए थे कि अगर इसको कुछ हो गया तो शायद ही हम इसको बचा पाएंगे, और वो गुरुजी की इतनी मेहर है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत उन्होंने मेरी झोली में डाला, और वो कसोली से भी दो साल बाद उसको नीचे ले आए हैं और वो मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है। ये गुरुजी अंकल के साथ बस में जा रहे हैं, मेरा कोई मुझे था नहीं कि मैं जाऊंगी, मैं देखती थी वाली अंकल के मैसेज मेरे को भी आते थे कि बस जा रही है। तो अभी दो तीन दिन पहले की बात है, पता नहीं 20 नवंबर की बात है शायद, तो मेरे हस्बैंड की शॉप है तो उनके दो शॉप छोड़ के अंकल रहते हैं नैयर अंकल, तो उन्होंने कहा कि अंकल आप गुरुजी को नहीं मानते। ये कहते नहीं मैं तो गुरुजी को मानता हूँ। तो कहते ऐसे ऐसे बस जाती है तो भाभी को भेज दो फिर। तो ये कहते कि ठीक है भाई तू नाम नूम लिख ले उसका। तो फिर अंकल का कपिल अंकल का मुझे मैसेज आया कि भाभी ऐसे ऐसे बस जा रही है, देखो वैसे तो मैंने भी जाना है कार लेके, अगर आप मेरे साथ चलते मेरे साथ, नहीं तो आपका मैं बस में करवा देता। मैं कहा हाँ अंकल करवा दो। तो ऐसे उन्होंने ही मेरा ई पास वगैरह बनवाया, सब कुछ किया। तो फिर उन्होंने कहा आप रिलेटिव एक कोई वाली अंकल की बस के लिए, तो फिर उन्होंने वाली इधर बस पास बनवाया। तो मैंने यस कर दिया अपने साथ एक के लिए, मेरी सिस्टर है छोटी, इसको बोला मैंने कहा रिंकी ऐसे ऐसे जाना है। ये कहती दीदी मैं तो बहुत दुखी थी, मैंने तो रात को ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं डुगरी आऊंगी, फिर मैंने मना कर दिया नहीं मैं तो छतरपुर आ जाऊंगी आप। तो कहती दीदी ये तो गुरुजी ने मेरी सुन ली, आप मेरा ही नाम लिखवा दो। फिर मैंने अंकल को कॉल किया, मैंने कहा अंकल रिंकी है। तो फिर अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इसको इतना अच्छा लग रहा है कि अब हम यही सोच रहे हैं हम तो पीछे ना घर छोड़ आए हैं, शाम को आके मिलेंगे, बाकी हम फ्री है अपने आप देख लेना। जय गुरुजी और वाली अंकल, आपको गुरुजी की आपके ऊपर इतनी मेहर है, इतनी मेहर है। आप मुझे फर्स्ट टाइम भी बड़े मंदिर लेके गए, अब आप मुझे इधर डुगरी मंदिर भी लेके आ रहे हो। बस गुरुजी की मेहर आप पे बनी रहे और सारी संगत की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना। सबसे पहले वाली अंकल का बहुत बहुत थैंक्स, पहले उनकी कृपा से हम छतरपुर जाके आए, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं छतरपुर जा सकती हूँ। अब उनकी कृपा से मैं बड़ा छतरपुर जा रही हूँ, और थैंक यू, हाँ डूली थैंक यू सो मच वाली अंकल कि आपकी कृपा से, गुरु जी के शुक्राने से हम जा रहे हैं। गुरु जी की कृपा से आपका काम खूब बढ़े, सारी संगत की बहुत ब्लेसिंग आपको, और आप पे हमेशा उनका हाथ रहे। थैंक यू, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आ रहा है। बस का जो आनंद है कार में आ ही नहीं सकता, बस का आनंद है कभी कार में आ ही नहीं सकता। यहाँ सारे आते हैं, दूसरे को हौसला भी है और दिल भी लगा है और मन भी ठीक रहता है। बस ही है सबसे बेटर तरीका यहाँ आने का। जय गुरु जी। गुरु जी कभी इस बस में जाने से इतना सुख मिला है, पहले इतना कभी खुशी इतना सुख नहीं मिला, क्योंकि इतने नए परिवार जुड़ गए साथ में, इतने फ्रेंड्स इतने संगत जुड़ गई है, उनसे हम उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और एंजॉय करते जा रहे हैं गुरु जी के दरबार पे। गुरु जी ने तो बहुत कुछ दिखाया है, मैंने अभी इतना टाइम नहीं हुआ मुझे जुड़े हुए गुरु जी से, और इतने टाइम में ही गुरु जी ने इतना कुछ दिखाया, इतना मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मन में सोचो और बात पूरी हो रही। कभी ऐसा हुआ नहीं कि बात पूरी हुई ना हो। मेरी बेटी बीमार हुई थी, उसके 4000 प्लेटलेट रह गए थे, डॉक्टर्स बड़े हैरान, दो तीन बार प्लेटलेट चढ़ा दिए 1.5 लाख पर, वो उसका रिजल्ट 4000 ही हो रहा था, उसके कोई प्लेटलेट बढ़ नहीं रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बोन मैरो होगा इसका, हमने कहा नहीं हमने बोन मैरो नहीं कराना, गुरु जी कुछ करो।
गुरुजी ने ऐसा किया कि भी एक बार और टेस्ट ले लो इनका। डॉक्टर बोलने लगे कि एक बार और टेस्ट ले लो, देख लेंगे। जैसी रिपोर्ट आई मैंने गुरु जी चलो रिपोर्ट लेके आए। रिपोर्ट लेने गए तो 93,000 प्लेटलेट हो चुके थे। जय गुरु जी, शुक्रिया। जय गुरु जी। हमारा फर्स्ट टाइम है ऐसे मतलब संगत में से कुछ काम से बस जाना संगत साथ, तो काफ़ी अच्छा बढ़िया सिस्टम रहा बस के थ्रू। और सारे क्या बोलते हैं भजन कीर्तन करते गए और बढ़िया था सिस्टम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं इस ट्रिप कहेंगे या यात्रा कहेंगे, हमारे लिए तो ये यात्रा ही है। मेरे लिए ये अब ऐसे है जाना जैसे यही मेरा परिवार है। आज भी जो ये मेरी वीडियो ले रहे हैं उनको भी मैंने कहा है कि आप संगत भाई बन गए, अब मेरा यही परिवार है। हम जब गए जहाँ 1010 कोठी में, तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझे ऊपर मंदिर भेजा तो मुझे आज बहुत फ्रेग्रेंस आई। फर्स्ट फ्रेग्रेंस मैंने इस बार फील की है, मतलब वो भी एक जो कोठी में इन्होंने बना रखा है वो भी हेवन है। वहाँ से जाना ही आज फिर एक बस में भी मुझे एक संगत जी ने लॉकेट दिया मेरे बेटे को। अभी मैं अक्टूबर में बड़े मंदिर भी जाके हूँ, वो मैं सेल्फ गई थी और आज वो भी हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे पहुँच गए थे। सब गुरु जी बिल्कुल साथ थे। इतनी मैनेजमेंट अच्छी है, गुरु जी की संगत इतनी अच्छी है, मतलब फील ही नहीं होने देते कि आप फ्री जा रहे हैं। और वालिया सर भी बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा निमन है। पावा सर भी बहुत निमन है। और इतना हमें प्रसाद मिला, इतना वेल मैनेज, मतलब हमें लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार इन लोगों के मिल रहे हैं। सारी संगत हमारा एक परिवार है। गुरु जी हमारे पिताजी हैं और हम उनके बच्चे हैं। हर वक्त उनका शुक्राना, हर वक्त शुक्राना। जय शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जो हम बस में जाते हैं ना, हम अपनी कार में जाए हम बिल्कुल इंजॉय नहीं करते, और जो इंजॉय हम बस में करते हैं ना उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते कि क्या कहा जाए। इतना इंजॉय करते हैं हम हद से भी ज़्यादा। तो हम वालिया सर से यही कहेंगे कि ये निष्काम सेवा गुरु जी उनसे चलवाते रहें और हम भी इंजॉय करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना। वो 600 रुपये भी लेके जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वाले अंकल जी ने जो बस शुरू की है फ्री बस सेवा, बहुत ही अच्छी है। इसमें फ्री संगत जी भी सारी हैप्पी है कि इतना अच्छा मौका मिला है, इतनी अच्छी बस सेवा स्टार्ट की है। और बहुत ही अच्छा है कि हमें इतने भाग्य वाले हैं कि हमें डुबरी जाने का मौका मिल रहा है, वो भी गुरु जी ने फ्री में बुलाया है। बहुत खुश है। मतलब बहुत मुश्किल होता है अकेला, पहले कैसे जाए, कैसे पता नहीं गुरु जी कैसे रास्ते में कैसे लेके जाएंगे कैसे नहीं। ये गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने हमें अपने दर पे बुलाया। और शुक्राना गुरु जी। मतलब बहुत अच्छी बस सेवा है। और अंकल जी ने स्पेशल मॉर्निंग में इवन जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेकफास्ट भी करवाया, गुरु जी ने प्रसाद भी करवाया। मतलब बहुत अच्छी सेवा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और पहली बार गुरु जी के द्वार पे जा रही है और अच्छा लग रहा है। कर रहे हैं सबका कीर्तन सुनते रहे, नाश्ते खाते रहे, खुशी खुशी से मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। जय अंकल चश्मा उतार रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। चंडीगढ़ से डुगरी हम जा रहे हैं, वालिया अंकल हमें लेके जा रहे हैं। वैसे तो गुरु जी हमें लेके जाते हैं हर जगह, पर जरिया वालिया अंकल को बनाया, गुरु जी की मेहर हुई, पास बन गया और सीट में बस में भी नंबर आ गया। और थैंक यू वालिया अंकल, थैंक यू सो मच गुरु जी, आप ये बहुत मेहर करे। सुबह हम 7:15 पे पहुँच गए थे, उसके बाद वाली अंकल के घर गुरु जी के दर्शन करे जो दरबार है, उसके बाद बहुत अच्छे से लंगर कराया। और बहुत कंफर्टेबल बसेस हैं, वॉल्वो है, हम उसमें जा रहे हैं। सब गुरु जी की गुणगान गाते, महिमा गाते जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी। संगत जी बसों का जो पहला हॉल्ट है उत्थे बसा को बसा काफ़ी
खड़िया है इस बार कमला तो इतों बसा चेक करेंगे पास अपनी बस भी आ गई है उस तो पहले ही 8-10 बसा खड़ी हैं बाकी जिदा हम गुरु जी रहमत करेंगे उदा ही बस अगे चले जाएगी इतने पास चेक होंगे जय गुरु जी तन तन मेरे
शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय जयकार तुहाडी जय गुरु जी। संगत जी, डुगरी तो चल पे हैं, 2:26 हो गए, बस अगे खड़ी है, तो सारी बसां हैगियां। बस ना ली है, पीछे आ रही है। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। बड़े वधिया तरीके नाल दर्शन होए, संगत अज ज़्यादा सी, काफ़ी रश सी, बसा बहुत ज़्यादा आई हुई सी। लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत दे बड़े अच्छे तरीके नाल दर्शन होए, इदा ही दास ते रहमत बनाई रखना, दास दी बाजू पकड़ के सेवा करवाई जाना और सारी संगतान निहाल करवाई जाना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लैसिंग ऑलवेज। जय गुरु जी, संगत जी, लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी। चंडीगढ़ बस अगे खड़ी है, सेक्टर 21 का निरंकारी गुरुद्वारा, सज्जे हाथ जो जाते हुए नमन होके गए, फिर नमन हो गए। गुरु जी की रहमत इदा ही बनी रहे और संगत निहाल आदियां रहे। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी। कर गया अरे इधर आ, ये किधर देखना। अच्छा।
जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट सब अपडेट्स आप तक पहुँचें। ये एक डेमो दिखाई जा रही है क्योंकि संगत के बहुत फ़ोन आते हैं कि हमें समझ नहीं आती, इस डेमो से समझा जा सकता।